रोजा आप समझते ही हैं कि अल्लाह सुबहानहु ताला की इबादत की नीयत से तुलूए फजर सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और जिमा से रोकना, या ये कह लीजिए कि हिलाले रमजान से लेकर हिलाले शव्वाल तक दिन के अवकात में, यानी तुलूए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, तुलूए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, हिलाले रमजान से लेकर हिलाले शव्वाल तक दिन के अवकात में, तुलूए फजर सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और जमाओ सोहबत से रुकने का नाम रोजा है। लेकिन इबादत की नीयत से अगर किसी के बॉडी की जरूरत हो, डॉक्टर ने कहा है कि तुमको साल भर रोजा रख रहा है, हम फर्जियत के अतबार से नहीं रख रहे हैं, अपने बॉडी की जरूरत के हिसाब से रख रहे हैं, हमारी आदत है, अपने जिस्म के प्रोटेक्शन के लिए रख रहे हैं, या लोगों की देखा देखी रख रहे हैं, या लोगों के तंज और तारीफ से और मलामत से बचने के लिए रख रहे हैं, ये रोजा नहीं होगा, इबादत नहीं होगी, सवाब नहीं मिलेगा आपको। अब वजूब के माने फर्जियत के, जिसके तर्क पर गुनाह लाजिम आता है, गुनाह कबीरा, वाजिब जिसका करना जरूरी हो और जिसका छोड़ना हराम। और अल्हम्दुलिल्लाह रोजे की फर्जियत कुरान से, सुन्नत से और इजमाए उम्मत मोहम्मदिया से साबित है। जो इसकी फर्जियत का इनकार कर दे वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इस्लाम के पांच बुनियादी अहम अरकान में से एक रुक रोजा है। नबी ने फरमाया बुनी अल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकाम सलात व इताई ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। इस्लाम के पांच अरकान हैं, इसमें आपने चौथे नंबर पर रोजे का जिक्र है, इस्लाम की बुनियाद है। हदीस जिब्रील में भी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, सही मुस्लिम में किताबुल ईमान की पहली हदीस है, कि इस्लाम क्या है, तो आपने इस्लाम का जो डेफिनेशन बताया ये बताया, पांच चीज़ बयान की। और कुरान मजीद में फर्जियत की दलील है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिब अलैकुम अस्सियामु कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो रोज़ा फ़र्ज है, वाजिब है, और इसका इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है।